मिश्रा पर कार्रवाई और उनको मोदी सरकार से बर्खास्त करने को लेकर हंगामा खड़ा हुआ था। अब राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार और प्रशासन को कुछ दिनों की मोहलत दी गई है। इस बीच अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर FIR दर्ज कर ली गई। क्या बात हुई, क्या फाइनल फैसला हुआ? पूरा एक फाइनल फैसला ये हुआ कि उनके खिलाफ FIR हुई है और बापू बेटा दोनों उसमें दर्ज है, उनकी गिरफ्तारी भी होगी। 45 लाख का मुआवजा जो मृतक है उसकी जांच जो अधिकारी होंगे लीगल सेल से उसकी जांच होगी, कोई भी रिटायर्ड जज उसकी जांच करेगा और उनको सरकारी नौकरी, ये सारी चीजें तय होगी। ये जो इतना लंबा चला पूरा निगोशिएशन का दौर, क्या लगता था सरकार नहीं मान रही थी, क्या चल रहा था अभी तक? नहीं, उनके परिवार उसे उनसे सब लोगों से बातचीत करके, कमेटी से बातचीत करके, तो बहुत सी चीजें होती है, नौकरी पे होती है, लीगल उस पर होती है, मंत्री के खिलाफ मंत्री को 120 भी में जाना होता है, तो वो भी बड़ी चीज है। कल जो बड़ी घटना हुई है, क्या ये अब समाप्त हो जाएगा इसके साथ ये पूरा, या इसको और भी आगे, क्योंकि किसानों का ये समाप्त होगा ये वाला प्रकरण, और इनको 8-10 दिन का टाइम इनका रहेगा कि गिरफ्तारी करते हैं नहीं करते हैं, क्या रहेगा। जब यहाँ भोग में आएंगे तो अगली रणनीति फिर उसके बाद जो बनेंगे। क्या लगता है कि जिस तरीके से पूरी तरीके से सियासी इस पूरे माहौल को बनाया गया, कई सारे नेता आने की कोशिश किए, उनको रोका भी गया, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि ये जो किसान आंदोलन है उसको लेकर के एक सियासी खींचतान नॉलेज उसकी नहीं है, हम तो यहाँ अंदर थे, हमें तो अभी अब आप जा रहे हैं वापस? नहीं, अभी मंच पर जाए।